100 दिन गणितीय कौशल के तहत स्तर एक में तराजू किसे हल्का व भारी का अनुमान लगाकर या तराजू से तौलकर बच्चों को समझाना। तो आज हमारे पांचवी के बच्चे छोटे बच्चों को पहली दूसरी के बच्चों को बताएंगे कि कौन हल्का है और कौन भारी है। तो चलो भूमिका, तुम बच्चों को कैसे बताएगी कि कौन सा हल्का है और कौन सा भारी है? ये क्या है बच्चों? ये और ये पांच। तो इसमें कौन सबसे ज्यादा भारी होगा? तो अब तुमको मैं तराजू में तौलकर बताऊंगी। कौन सबसे नीचे हुआ बच्चों? कैसे पता चला कि स्टेपलर भारी है? तुम लोग को बताओ, क्योंकि वह उसका पल्ला क्या हो गया? अच्छा चलो प्रवीण, तुम्हारी बारी है। तुम बच्चों को कैसे बताओगे कि हल्का और भारी वस्तु की अवधारणा कैसे समझाओगे? बताओ तो। ये क्या है? अच्छा प्रवीण ने दो प्लास्टिक के अक्षर लिए हैं और दो चाक लिया है, तो अनुमान से तुम लोग बोल रहे हो कि चाक भारी होगा। अब चलो प्रवीण, इन लोग को तौल के बताओ कि कौन सा हल्का और कौन सा भारी। कौन भारी है? अक्षर अक्षर। तो चलो ममता, तुम बताओ, तुम बच्चों को कैसे बताओगी कि कौन सा वस्तु हल्का भारी है? ये क्या है बच्चों? आलू। आलू। और ये गिट्टी। कौन सा भारी होगा? आलू। अच्छा क्या क्या ली हो ममता, तुम बताओ। गिट्टी और आलू। कौन सा भारी हुआ? और कौन सा हल्का हुआ? गिट्टी। तुम लोग तो बहुत अच्छा अच्छा तराजू बनाए हो जी। इसी तरह क्या बोलते हैं, आकर्षक बना सकते हो ना जी। तो चलो निमिषा बताओ, तुम कैसे बताओगी? ये क्या है बच्चों? अरे गिट्टी। इसको मैं तोड़कर बताती हूँ। कौन सा भारी है? गिट्टी। एक गिट्टी कितने चाक के बराबर हुआ जी? चार। चार चाक से ज्यादा भारी है गिट्टी, है ना जी। तो चलो प्रवीण, अंकुश तुम बताओ कि कैसे बताओगे तुम लोग हल्का व भारी को? तौल के ना। इसमें कौन भारी है कौन हल्का है? गिट्टी। चाक हल्का है और गिट्टी। तो अभी सिद्धार्थ बताएगा क्या क्या पकड़े हो सिद्धार्थ तुम? टेप और टमाटर। एक टमाटर है और एक टेप का बंडल है। तो बच्चों को कैसे समझाओगे कि हल्का और भारी? पहले अनुमान लगा के पूछो बच्चों से। इसमें तो कौन भारी है? ठीक, यहाँ पे बच्चों द्वारा तराजू बनाया गया है, तो क्या क्या से बनाया हो तराजू तुम लोग? लकड़ी और दोना, है ना। घर में
चीजों से बच्चों को तौलने की क्रिया को बतलाने के लिए हमारे पांचवी क्लास के बच्चे पहली दूसरी के बच्चों को तौलना सिखाए। तो समझ में आया जी।